क्योंकि वहाँ भी पानी भोजन सबकी व्यवस्था होती है और पानी भोजन से ही ये प्रदूषण होता है। इंग्लिश में आंटी बोल रहे थे लेकिन हम छत्तीसगढ़ में काकी बोलते हैं, तो काकी नहीं इंग्लिश में आंटी बोले जाते लेकिन छत्तीसगढ़ में काकी कहते हैं। तो जय जय शंकर यूट्यूब चैनल में संगीत ब्लॉग में अपन के स्वागत है। तो मैं फिलहाल पहुंचा हूँ कोरिया के भोजन पंडाल, जहाँ मैं दीदी से बात करूँ तो यहाँ के जन अनाउंसमेंट करते हो दीदी भोजनालय के, तो से बात करना चाहता हूँ। तो दीदी जय जय शंकर नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दीदी आप मन बताओ कि आप मन कब से विभाग में से अभी जुड़े हो, आप मन बोला बताए प्रयास करो दर्शक भाई मिलना। अच्छा, मैं भोजनालय जो प्लास्टिक मुक्त भोजनालय के लिए काम करता हूँ निःशुल्क, और ये सेवा के रूप में मैं काम करता हूँ। तो ऐसा काम करत तो मोला 7-8 वर्ष हो गए, लेकिन ऐसा वृहद भोजनालय जब से शिव पुराण चालू हो है तब से ही सौभाग्य मिले है सेवा करे के। तो अभी बालोद में पहली बार हमन लाखों श्रद्धालुगण मतलब प्लास्टिक मुक्त भोजन कराए एकदम साफ सुथरा, और सेकेंड अभी कोड़िया में करवा थन। तो हमार प्लास्टिक मुक्त भोजनालय का आशय ये है कि प्लेट में खाना खाना है तो में कोई कचरा नहीं हो। जब अगर हम बदबूदार पत्री में खाना खाते हैं तो कचरा हो, तीस केमिकल युक्त खाना खाते हैं प्रसाद ला दूषित करके, तो ओकर हम जागरूकता करते हैं कि प्लेट में खाना तो दोनों से ही चली भोजन और भजन, मतलब कोई अंतर नहीं है भोजन और भजन में दोनों करे लाकि तब हमार जो जीवन है वो सफल हो ही। तो हम अभी सिर्फ और सिर्फ भजन डहर जाथन, भोजन ला करत हन लेकिन दूषित कर, तो ये मोर मुहिम हरे कि भोजन ला दूषित नहीं करना है, नहीं तो भजन भी दूषित हो ही। कहीं ना कहीं हमन ला देखे बार मिला थे भजन करे के बाद भी हमन ला फल नहीं मिला थे, अतका कथा सुना था अतका भाव भक्ति में डूबे हैं, लेकिन हमार धरती अभी हमन प्रलय की ओर हन। कोरोना जैसे महामारी देखे ना, ओकर से बचे बार ओकर से पहली से हम चेतात रहे कि पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पानी बचाओ, मिट्टी बचाओ, ताकि पानी और अनाज के उपजाऊ जो है वो बने रहे, है ना। तो हमारे पूरा छत्तीसगढ़ में चला थे मुहिम। दीदी आप मन बताओ, आप मन के नाम बताओ कि मैं पूछे पर भुला गए रहो। अच्छा। क्या आप मन के नाम बता दूं का है? जी, श्रीमती श्रद्धा पुरेंद्र साहू, उमर पोटी भिलाई से हूँ मैं। और आप मन कुछ कर्मचारी या कुछ करते हो? मैं महिला बाल विकास विभाग में बाल न्यायालय में हूँ, बच्चा मन के काउंसलिंग करना, मतलब 5 मेंबर रथन हमन जुडिशियल बेंच है न्यायिक प्रकोष्ठ, बच्चा मन के मामला में हमन न्याय करते 5 जन मिल के। तो वहाँ में 5ों जन में 1 जन सदस्य में हर, तो बच्चा मन के लिए भी मैं जागरूकता कर सो नाबालिग बच्चा मन बर, ये बच्चा मन के लिए हमन जो बच्चा मन ला देख रेख संरक्षण की आवश्यकता रहते ना, जे बच्चा मन ला ओ मन ला हमन सहयोग देथन पुलिस के माध्यम से, चाइल्ड लाइन के माध्यम से हमारे पास बच्चा प्रस्तुत होते जो गुमशुदा हो जाते या ओ मन ला देख रेख करने वाले नहीं रहा है, तो ओ मन ला हमन अपन राज्य शासन के जो आश्रम होते ना बाल गृह वगैरह वहाँ हमन मतलब विस्थापित करके ओ मतलब अच्छा जीवन जिए के, और ऐसे मतलब अलग से माता पिता मिलते जो गोद ले सकते, तो वो सब में हमन काम करते हैं। तो दीदी हाँ अपन बारे में और एक बाल विकास के बारे में बताएगी, तो दीदी से धन्यवाद करता हूँ। और हमन फिलहाल बाबा से पूछे के प्रयास करते हैं, कार की बाबा में परम दिन भी आ रहा हूँ, काम कार्यक्रम की वजह से मैं घर चले गए हूँ। तो बाबा से बतावे बाबा कि आप मन कब से यहाँ कोड़िया में सहयोग प्रदान कर रहे थे आप मन? मैं कोड़िया में शोभा यात्रा मतलब 6 तारीख से। अच्छा, आप मन के सहयोग होते? हमरो सहयोग भी रही थे गिलास माने ये जतका कचड़ा है अपन पॉलिथीन या पतरी, हमरो सिद्धांत ये कि पतरी के सेवन मत करो, पॉलिथीन के सिद्धांत उपयोग मत करो, तो हमू सेवा देवत रही थे अपन जहाँ जहाँ जतका बन थे, माने मोर प्राय ये दीदी जौन बतेस ना ओकर सहभागी महू हबो, महू कम से कम 2000 प्लेट रखे हूँ मैं खुद अपन स्वयं और वितरण करत रही थो जहाँ जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम होते वहाँ निःशुल्क, और 200 गिलास है मोर पास स्टील गिलास ओला भेजवाता हूँ, गिलास के भी बचत करवाता हूँ, एकर से मोर एक उद्देश्य है आपके सहयोग भी हो गए आर्थिक सहयोग और हम दूषित से भी बचाव करें, ये उद्देश्य लेके महू अपन जीवन जीता हूँ ये मोर। अच्छा अभी फिर यह जाए मोर निरंतर ही कार्य, आज कम से कम 50 साल से ये कार्य मोर चलत
50 साल माने में छोटे एक युवा बाल युवा अवस्था रहे हो तब से ये सेवा चल रही है। ये मोर सेवा ये बाबा के बहुत बड़े सहयोग जिन्हें बताया कि प्रयास करिस। और ये आंटी है, आंटी से छत्तीसगढ़ी इंग्लिश में आंटी बोल रहे थे लेकिन हम छत्तीसगढ़ में काकी बोलते हैं तो काकी नहीं इंग्लिश में आंटी बोला जाते लेकिन छत्तीसगढ़ी में काकी कहते हैं। हाँ, काकी से बात करते हैं कि आप बताओ छत्तीसगढ़ी में गोठिया हूँ मैं। हाँ तो बताबे काकी आप मन के नाम का है। वो नाम धनेश्वरी साहू है, भिलाई से, रिसालिक सेक्टर भिलाई से। और मैं भी बर्तन बैंक अभी स्टार्ट करे हूँ। मैं भी जनसेवा करना चाहता हूँ मतलब प्लास्टिक मुक्त रखना चाहता हूँ। एकर से क्या है मतलब जगह जगह ये कचरा मत फैले, ये प्रदूषित न हो, धरती माता प्रदूषित ना हो, ये भी मैं चाहता हूँ। और मैं तो अभी अभी जुड़े हूँ, अभी अभी ही डाले हूँ बर्तन बैंक श्रद्धा और बहन के सहयोग से, लेकिन मैं भी कुछ करना चाहता हूँ आगे। ये मोर सिद्धांत है और अभी आगे और बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मतलब जैसे कि हाँ धरती के लिए साफ सफाई स्वच्छता ये सब में काम करना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद काकी। ये बताइए हमार महतारी बोले जाए तो ये अपन एक ऐसे सहयोग जिन ग्रामीण सेवा या संस्कारी सेवा समाज मन में जा जाके निशुल्क एमन प्लेट बांस थे जिसे प्लास्टिक आप मन देखे ओला ज्यादा शोषण होते उखड़ से और शारीरिक प्रॉब्लम होते ओला एमन रोके के प्रयास कर रहे थे। जिन चीज में एमन तीनों जन से इंटरलेक्ट बात बताएगी तो हमन फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। जब तक राम राम, जय जोहार।